चैनल ऑफ बड़ोदरा। आगामी तारीख 24 अप्रैल जीरो अवर फाउंडेशन नी पहल छात्र सांसद पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात द्वारा 5 गुजरात छात्र सांसद कॉन्क्लेव नु आयोजन करवामां आवी रह्युं छे, जे अंतर्गत आज एक पत्रकार परिषद नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां उपस्थित पत्रकारों ने 5 गुजरात छात्र सांसद कॉन्क्लेव अंतर्गत वधु माहिती आपवामां आवी हती। आ इवेंट समग्र देशमांथी 15,000 वधु विचारशील अने इनोवेटिव विद्यार्थीओ आ 5 छात्र सांसदमां एकटा करवा मांगे छे। गुजरात छात्र सांसदनी 5 आवृत्ति माटे लोकशाहीना 75 वर्षनी उजवणी करवामां आवी रही छे। 75 भारतनी सामान्य थीम पर चर्चा करवा अने विचारोने आगळ धपावा माटे समग्र देशमांथी युवानोने एक जग्याए एकत्र करवानो उद्देश छे। माइलस्टोन्स, ऐतिहासिक सिद्धिओ अने भारते अनुभवेली सफळताओ तेमज पड़कारोनी चर्चा करवी, हालमां जे अवरोधोनो सामनो करी रह्या छे एना पछी भारतना उज्ज्वल भविष्य तरफ चर्चा करवामां आवशे। COVID-19 रोगचाळा पछीना प्रथम प्रकारना आ भव्य कार्यक्रम माटे देशना नामांकित अने लोकप्रिय वक्ताओ वडोदरामां होस्ट करे छे, जेमां श्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपना राष्ट्रीय महासचिव तेमज श्री रंजन गोगाई भारतना 46 मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला IPS अने भूतपूर्व LRT गवर्नर पुंडीचेरीना श्रीमती किरण बेदी, रजनीश चळवळना प्रवक्ता श्रीमती मा आनंदशीला, भारतीय फिल्म निर्देशक शफुन बत्रा, एक्जिक्यूटिव एडिटर CNN नेटवर्क 18 आनंद नरसिंहन, अभिनेता अने भारतीय मीडिया वक्तित्व एवा प्रकाश बिलवाड़ी, मुख्य माहिती कमिश्नर CIC उदय माहुरकर, इस्लामिक विद्वान मौलाना कलबेस रुशेद रिजवी, तेमज सामाजिक नेता अनिल शेट्टी, एडवोकेट अने नेशनल मीडिया पेनलिस्ट भारतीय जनता पार्टीना श्रीमती चारू पगना, आ तमाम वक्ताओ विविध 3 सत्रमां पेनल डिस्कशन साथे पोताना विचारो रजू करशे। आ कार्यक्रमना समापन निमित्ते वक्ताओनी चर्चाओना आधारे 5 ठराव पसार करवामां आवशे, जे छात्र सांसदना घोषणाओ तरीके संकलित करवामां आवशे अने केन्द्र राज्य सरकारो अने नीति आयोगनी संबंधित नीति निर्माण संस्थाओने मोकलवामां आवशे। आ उपरांत गुजरात अने वडोदराना आ 15,000 सहभागीओ विविध शहेरोमां आ घोषणाना अमलमां भाग लेशे, छात्र सांसदनी रचना करती टीमो साथे संकलन करशे अने तेमनी साथे काम करशे। मळती माहिती अनुसार युवानोनी सामूहिक ऊर्जामां विश्वास राखे छे अने माने छे के आ प्लेटफॉर्म राज्यभरना युवानोने तेमना विचारो अने तेमना ज्ञानने शोधवा माटे एक सामान्य मंच पर एक साथे लावामां घणो आगळ वधशे। તેઓનું કહેવું છે કે યુવાનો એ ભવિષ્ય છે, સારું હું કહું છું કે યુવાનો એ આપણું વર્તમાન છે, આવતીકાલે જે પરિવર્તનની જરૂર છે તે આથી શરૂ થાય છે, તેમ ડોક્ટર દિવાંશુ પટેલ પ્રમુખ પારોલ યુનિવર્સિટીનાઓએ જણાવ્યું હતું। છાત્ર આને વાલે ઉન લોકો કી ભૂમિકા ક્યા રહી? हमें बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, डांग डिस्ट्रिक्ट से। हर एक समाज के युवा हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं और जिस तरीके की पार्टिसिपेशन की बात हुई, छात्र संसद हमेशा से समझता है कि युवाओं के पार्टिसिपेशन के बिना इस देश का कुछ नहीं हो सकता और वही हमारे कॉन्क्लेव की रूपरेखा है, जिसमें 15,000 युवा मिलके वोट करेंगे रेजोल्यूशंस पे, रेजोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, जिसपे एक प्रॉपर रेजोल्यूशन लीगल वे में ड्राफ्ट किया जाएगा जो कि अलग सरकार को दिया जाएगा। और छात्र संसद हमेशा से मानता है कि सरकार के साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव काम करके जो युवा और सरकार के बीच की गैप है उसे ब्रिज करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम पिछले कुछ सालों से जो हम निरंतर काम करते आ रहे हैं वो आप सभी मीडिया कर्मियों की वजह से, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें लोगों तक पहुंचाया और अब हम लोगों के लिए कुछ काम कर सकते। इस बार जीरो आवर फाउंडेशन अपने 7वें साल में है। कोविड के दौरान हम लोग छात्र संसद का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हम लोग आए 5th गुजरात छात्र संसद के साथ, ये पूरे गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा युवा जुड़ने वाले हैं गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट लिस्ट हम लोग लेके आने का प्रयास किया है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे पास गेस्ट्स हैं। संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र, इसी नारे को आगे ले जाते हुए छात्र संसद कई सालों से प्रयास कर रहा है कि युवाओं को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ना कि कोई एजेंडा के लिए। और इस छात्र संसद में 15,000 युवा मिलके 3 रेजोल्यूशंस पास करेंगे, जो रेजोल्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अन्य कई पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद रहने वाली लिस्ट में 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी है, दी फॉर्मर गवर्नर ऑफ पांडिचेरी किरण बेदी मैम है, रजनीश मूवमेंट के स्पोक पर्सन मां आनंद शीला है,
शकुन बत्रा, प्रकाश बिलवाड़ी और ऐसे अन्य कई स्पीकर्स आके युवाओं के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और हम एक ही बात जानते हैं और एक ही बात मानते हैं, अगर युवाओं के लिए कुछ करना है तो कुछ क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जब वो घर जाए तो कुछ वापस लेके जाए। और यही करने का प्रयास छात्र संसद की टीम ने ये किया है और हमेशा करते आएगी। धन्यवाद। तीन रेजोल्यूशंस के बारे में बात की जाएगी और उस पर वोट किया जाएगा, जिसमें एवरेज एज ऑफ अ पॉलिटिकल कैंडिडेट सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन है। दूसरा रेजोल्यूशन, जब हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे देश में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे डेवलपिंग कंट्री से ये देश डेवलप्ड कंट्री बने। और तीसरा रेजोल्यूशन ये होगा कि किस तरीके से युवा अपनी सोच रखते हैं हिस्ट्री को लेके और ऐसी क्या क्या समस्याएं उन्हें लगती है पास्ट की जिससे ये देश अभी तक डेवलप नहीं बना। 15,000 सहभागियों को आप साथ में